शहर के गुरुद्वारे पर चल रहा विशाल भंडारा, रात तक भक्त पाएंगे भंडारे की प्रसादी। 111 कन्याओं को भोजन खिलाकर शुरू किया भंडारा। महाराजा अग्रसेन पर मार्थ सेवा समिति मध्य प्रदेश द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी समिति के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गर्ग टिल्लू भैया के सौजन्य से श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन गुरुद्वारे पर किया जा रहा है, जिनमें सुबह 9 बजे करीब 111 कन्याओं का पूजन एवं 10 बजे से भंडारे का आयोजन रखा गया। श्री रामनवमी शोभा यात्रा का समिति परिवार द्वारा स्वागत किया गया। यह भंडारा देर रात्रि तक चलेगा, साथ ही हजारों की संख्या में भक्त भंडारे की प्रसादी का आनंद उठा सकेंगे। समिति के सदस्य लगातार अपनी सेवाएं देते हुए नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? किस पद पर हो आप? महामंत्री, आज आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में बताएं। लगभग कितनी संख्या में भक्त यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करेंगे? रामनवमी पे हर वर्ष करते हैं हम भंडारा, ये नवा भंडारा है। सब लोगों को शहर में आमंत्रित करते हैं। अच्छा, कितना इसमें पूरी? 10 क्विंटल आटे का पूरी बनवाते हैं। बाकी की अब सब्जियाँ रहती है, देवबूंदी रहते हैं, सब ये भंडारे में जो प्रसाद होता है। क्या क्या इसमें करवाते हो आप? भंडारे से पहले क्या करवाते हो? भंडारे से पहले रामनवमी के प्रोग्राम में आप कितने दिनों से ये कार्यक्रम करवा रहे हैं? ये 9 साल से हर वर्ष चलता है। यहाँ रामनवमी की भव्य यात्रा निकलती है, उसके लिए सब्जी पूड़ी का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले यहाँ सुबह कन्या भोजन और कन्या पूजन किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे पूरे जो आते हैं श्रद्धालु और जो लोग, उनके लिए प्रसाद वितरण किया जाता है। ये अग्रवाल परमार समिति हर बार ये कार्यक्रम करा रही है, जिसके अध्यक्ष राकेश गर्ग जी हैं, वो हर बार इस कार्यक्रम को बड़ी भव्यता से कर रहे हैं। तो इसमें कितने आटे का मतलब आप लोग प्रसाद वगैरह? इसमें 10 से 11 क्विंटल के लगभग आटे से पूरी सब्जी बनती है, और जो मुख्य जैसे वो जो लोग कार्यकर्ता हैं उनके लिए शाम को भी भोजन की यहाँ व्यवस्था की जाती है, दोपहर में भी व्यवस्था की जाती है, सुबह भी सभी लोगों के लिए अलग से उनके लिए व्यवस्था चल रही है, और शहर के लिए भी सब अलग व्यवस्था की जा रही है। तो सुबह कितने बजे चालू हो गए थे? ये सुबह से चालू हो गया करीब 9 बजे 9:30 से, और शाम तक चलेगा जब तक यात्रा आएगी, तब तक सभी के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई। हाँ, कार्यक्रम हर साल बैठ के भी होता है। जो जैसे जो लोग वैसे हैं बैठ के करते हैं वहाँ जाते हैं, और जो लोग यात्रा आती है पूरी, क्योंकि उसके लिए बिठा के थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत भव्य यात्रा निकलती है, इसलिए वहाँ पे सबके लिए प्रसाद महिलाएं वगैरह सब बैठ के। हाँ, सभी महिलाएं भी आप देख रहे होंगे, महिलाएं सुबह आके 1 घंटे प्रसाद, 2 घंटे प्रसाद वितरण भी करती हैं महिलाएं, उसके बाद सभी ये पुरुष और सभी लोग शहर के गणमान्य नागरिक सबको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। कब से आप भंडारा करवाते हैं? 9 साल के लगभग हो गया, 9 साल से अनवरत चलता चला आ रहा है, अब ये 10वीं साल हो गया।